नमस्कार दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2019 और अब तक का जो करंट अफेयर रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक को किस बैंक के साथ विलय करने के साथ ही कई बैंकों का विलय करने की घोषणा की है। तो हमारा आंसर रहेगा इलाहाबाद बैंक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कई बैंकों के विलय करने की घोषणा की है, जिसमें से इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में किया जाएगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और का अंदर और कॉरपोरेशन बैंक से विलय के साथ ही PNB यूनाइटेड बैंक और OBC का विलय करने का ऐलान किया है। तो बात आती है कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की, इन दोनों का विलय होने जा रहा है। तो इंडियन बैंक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1907, और इसका मुख्यालय है चेन्नई के अंदर। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, 24 अप्रैल 1965 में, जो कि और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर। और हमें इस क्वेश्चन में से क्या आना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि एट प्रजेंट हमारे गवर्नर कौन है। तो एट प्रजेंट हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो इन्होंने पदभार संभाला था दिसंबर 2018। और इस साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले कौन थे जो कि गवर्नर के पद पर थे, वो थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर 2016 से स्टार्ट हुआ था। और हम इस क्वेश्चन में से क्या, हाँ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पहले गवर्नर कौन थे, भारत के पहले गवर्नर के रूप में कौन थे। तो पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न, जो कि 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक रहे थे। इस क्वेश्चन में हम इतना ही करेंगे, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैनरा बैंक को किस बैंक के साथ विलय करने का फैसला किया है और सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनाने की घोषणा की है। तो हमारा आंसर रहेगा सिंडिकेट बैंक के साथ विलय करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा है कि अब 10 की जगह सिर्फ 4 राष्ट्रीय बैंक होंगे, जिससे कुल अब राष्ट्रीय बैंक की संख्या 12 हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक के साथ विलय करके सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनाने की घोषणा की है। तो हमारा जो बैंक है, जो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की बात आई है, तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई ये हमें पता होना चाहिए। कैनरा बैंक की स्थापना हुई 1906 में और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। और सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई 1925 में और राष्ट्रीयकृत कब हुआ, 19 जुलाई 1969, मतलब 1969 को। और इसका मुख्यालय है मणिपाल, मणिपाल में इसका मुख्यालय है। मणिपाल कहाँ पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों के सूचकांक में भारत के कितने शहरों को स्थान मिला है। तो हमारा आंसर रहेगा 2 शहरों को स्थान मिला है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी किए गए विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों के सूचकांक में भारत के 2 शहरों को स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को 45वां और भारत की राजधानी दिल्ली को 52वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में 10 सुरक्षित शहरों को में सियोल भी शामिल है। तो टॉप पर कौन सा शहर रहा है, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, टोक्यो, और टोक्यो जापान की राजधानी है, तो टोक्यो इस सूची में सबसे ऊपर रहा है। और ये जो सुरक्षित शहरों की जो पैमाना कैसे लिया जाता है, लगभग 57 पैमाने लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सुरक्षा इसके अंतर्गत आती है, शहर का स्वास्थ्य इसके अंतर्गत आता है, ऐसे करके 57 पैमानों के आधार पर ये सूचकांक बनता है। और 5 महाद्वीप के 60 शहर इस सूची में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास वापस लेने का फैसला किया है, जिसकी पुष्टि उनके प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन ने की है। तो हमारा आंसर रहेगा अंबाती रायडू ने ये फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेटर टीम खिलाड़ी अंबाती रायडू ने हाल ही में संन्यास वापस लेने का फैसला किया है, जिसकी पुष्टि उनके प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने की है। उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम से नज़रअंदाज किए जाने की वजह से क्रिकेट में संन्यास लेने का फैसला किया था। तो एक बात और, अंबाती रायडू कहाँ से बिलोंग रखते हैं, वे गुंटूर से बिलोंग रखते हैं, और गुंटूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कबड्डी के खिलाड़ी अजय ठाकुर समेत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना है? तो हमारा आंसर रहेगा 19 खिलाड़ियों को चुना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में खेल दिवस के अवसर पर कबड्डी के खिलाड़ी अजय ठाकुर समेत 19 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना है। इस अवार्ड से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और पूनम यादव, मोहम्मद अनस, स्वप्ना बर्मन और अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें बात आई है खेल दिवस के अवसर पर ये खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो खेल दिवस कब आता है ये हमें पता होना चाहिए। खेल दिवस आता है 29 अगस्त को और खेल दिवस मनाया क्यों जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब आता है? 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया क्यों जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के अभिषेक वर्मा ने मेंस के कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारा आंसर रहेगा 10 मीटर में जीता है। ब्राज़ील में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के अभिषेक वर्मा ने मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही सौरभ चौधरी ने इसी इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। अभिषेक ने 10 मीटर इवेंट में 244.2 अंक और सौरभ ने 221.9 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें आया है ब्राज़ील का नाम क्योंकि ब्राज़ील में ही ये इवेंट हो रहा है। तो ब्राज़ील के बारे में हमें पता होना चाहिए। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। और यहाँ की मुद्रा है रियाल, जिसको रियल भी बोला जाता है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? यहाँ की भाषा है पुर्तगाली। और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ के राष्ट्रपति है एट प्रेजेंट जियर बोल्सनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के संजीव राजपूत ने मेंस के 50 मीटर राइफल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो हमारा आंसर रहेगा सिल्वर मेडल जीता है। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के संजीव राजपूत ने मेंस के 50 मीटर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 50 मीटर राइफल में 462 अंक हासिल किए। इस इवेंट में क्रोएशिया के पीटर ग्रोसा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हमें पता होना चाहिए क्रोएशिया के बारे में क्योंकि पीटर ग्रोसा कहाँ के हैं? क्रोएशिया के। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब और यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना। और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति है कोलिंदा और प्रधानमंत्री है इवो सानादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने क्रिकेट के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा अरुण जेटली के नाम पर रखने की घोषणा की है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने की घोषणा की है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नामकरण 12 सितंबर को आयोजित एक समारोह के दौरान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की एक अदालत ने किस बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर एक बार फिर नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े मामले में $57.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हमारा आंसर रहेगा जॉनसन एंड जॉनसन पर लगाया है। अमेरिका की एक अदालत ने बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर $57.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ओपोइड के चलते वर्ष 1999 से 2017 के बीच करीब 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो अमेरिका की बात आई है, अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर एस धामी भारत की कितने नंबर की महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बन गई है? तो हमारे आंसर रहेगा पहली। तो भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर एस धामी हाल ही में भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बन गई है। साथ ही उन्होंने हाल ही में हिडन वायुसैनिक अड्डे में चेतक हेलीकॉप्टर के फ्लाइट कमांडर का कार्यभार भी ग्रहण किया है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल पाई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल आइकॉन क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम करंट अफेयर की वीडियो 1, 7, 14, 21 और 28 तारीख को डालते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।